हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद गुरु की भाई, सबके सब बड़ी हो गया। सी ज्यादा छूट रही, देखो भाई सर पर नाचा तो सुंदरी अगरा सर पर लपेट रखी पन्ने, क्योंकि मैंने लगाई थी मेहंदी और मैंने अपना मकब लोग भी बनाया शुरुआत कर दी है। या मैंने 12:30 बजे ही लाई थी और 2:30 बज गए। मैं 2 2.5 घंटे लगाया करूँ लगभग, तो देखो अपने आप लसेड़ी थी सारे कलाक की फेस पक है, तो ये 2.5 घंटे बहुत हो जाए हैं। सारा दस क्या मुंह कते जमाए, तो मैं लौट गई थी इसने ला के मखाई करूंगी के। तो फिर मैंने सोची मखबर लोग भी बनाना पड़े हाथ, तो यो भी तो काम बंद रहा है। तो ये मैं इसने 2:30 बज गए हैं, 12:30 बजे ही लाई थी। और ये मैं धोऊंगी कपड़े, मैंने एक तसड़ा कपड़ा का भर के बे रखा है। तो कपड़े धोऊंगी तो पहले, फिर सिर धो लूंगी। मकाई तो 3 बजेंगे, लगभग 2.5 घंटे हो जाएंगे, तो 2.5 घंटे लग गए बहुत हो जाओगी। तो गाइज, मैंने सिर धो लिया, कपड़े धो दिए, 1 घंटा लग गया है, और सर तक स्कूल में तय लिया है। आ लिया? हाँ। अच्छा, क्या बनवाना है? तो भाई मैगी। अभी इसके लिए कुछ खाने का बनाना पड़ेगा। मैगी। मैगी हाँ। वैसे कम खानी चाहिए बेटे, अभी ये स्कूल में आया भाई 3:30 बजे, तो इससे ही कुछ खाने का तो बनाना पड़ेगा। ये यू क्या हो गया, क्या दिखाइए, ये बोया है यू? मैंने कीड़ी ने काट रखी। कब का? काल का। तो ये खा दिया रात का, पहले का? पहले का। ये देखो भाई, सर तक कितनी बुरा हाल में आ चुका कीड़िया ने, और इसके फेस पे ये धब्बे ही है ना, जो दिखाना बेटे एक बार थोड़ा पीछे पे। इसका फेस न, रंग थोड़ा सावला, इस वजह से देखो ये दिखे भी है न्यारे ही, इतने क्लियर नहीं दिख रहे फोन में, वैसे धब्बे ही हो रहे हैं। चल हो, आगे तो टाले डंडी ना मारिए, मार का तो खाइए, तेरा तेरा तोड़ू तोरे। मुंह पकड़ दे, पैर में भाई बेचारी के इतना दर्द है कि इस पर चल लिया कौन जानदा, वैसे खड़ी तो हो जाए चल देनी घनी दिक्कत से आवन, तो घनी दया आवे बेचारी, 3 टांगा तो चल रहे है, पता नहीं कद ठीक होवेगी। मड़ी ही झटके में देखो कितना कुछ बेचारी ने, लगभग इसने 20 दिन तो हो गए होंगे लागी ने चोट ने, तो इसका ये पैर है ना यू नीचे नहीं रखा जाता, पता नहीं क्या बात है, कति घनी दया आवा जब यह चल है ना, मेरा तो कति जी दुख है, अगर भी बेचारी 3 टांगा तो चल रहे है। तो गाइज, ये क्लिप मेरी सुबह की है, तो इस टाइम मैंने हलवा बनाया था बेसन का, और वो क्यों बनाया था, क्योंकि भाई मेरे पास नौमी वाले दिन का दूध बच रहा था, वो दूध किसी ने पिया ही कौन है, लगभग वो आधा केजी तो होगा, फालतू बेसन कुछ तो कम नहीं था, मखा इसने वेस्ट क्यों करूँ, पीवा कोई आया था नहीं, तो मैंने उसका इतना बढ़िया हलवा बनाया भाई, ट्राई जरूर करियो इस तरीके से। तो मैंने जो बेसन था वो मोटा था, दानेदार बेसन नहीं होता जो जिसके लड्डू वगैरह बनाया करें, वो बेसन था ये,
तो इस मामा ने घी ज्यादा ना डाला था क्योंकि फिर वो घी हा वो यार है ना मनो ज्यादा पसंद ना आंदा, तो इस पे थोड़ा हा चमची पच पक गया था। मैं इसने नीचे उतार लियो तो मैंने इसमें घी डाल के और जब मैंने थोड़ा बनाना हो मैं सेम बना लिया करूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक सी हो गई थी। क्योंकि भाई जो हलवा बनाओ ना बड़े बर्तन में ठीक रहो, छोटे में बनाओ तो फिर वो लकड़िया लकड़िया हांड है ना, तो थोड़ी दिक्कत सी आ जाए, बस थोड़ी वो आ गई थी। नहीं तो एक नंबर का हलवा बनाया था भाई, घी डाल के इसको अच्छा ब्राउन सा कर लिया था, मतलब इसमें मैक्स यान लाग जाकर जो भुने उड़की उस टाइप का कर लिया था, इतना भुने ही गई भाई इतना मैक्स ही नहीं आई। तो दानेदार बेसन बना का बनावा ना जो हलवा वो अच्छा लगा भाई, वो जो सिंपल बेसन का बनाओ ना जिसकी कढ़ी वगैरह बना कर पतला होया करो बेसन चून वाला सा, उसका इतना अच्छा ना लगता। तो मैं हमने तो हलवा हलवा बनाने ये मोटा बेसन मंगवा रखा है, इसका बहुत टेस्टी हलवा बना है। तो इसमें घी डाल के सही तरिया अपना घुमा ही कभी मतलब भून दिया था यो सही तरिया। एक भाई मैं आज ना सपना का व्लॉग देख रही थी, काफ़ी अच्छी स्नैपी गर्ल है जो भाई, उसने खुश देख कर ना मन में एक शांति ही मिला बेचारी, चलो भाई अपना आगे बढ़ रही है भाई, और जो बाकी दुख है वो तो उसने है, उसने तो भाई कोई भी कम नहीं कर सकता, लेकिन भाई उसको खुश देख कर बहुत आदमी है जो खुश हुए हैं, तो अच्छा लगा उसके व्लॉग देख कर। मैं आजकल किसी के व्लॉग नहीं देखती, सिर्फ उसी के देखा करूँ, क्योंकि पता नहीं भाई मन में इसकी तो इतनी दया ही भरी रो है कभी, पता नहीं बेचारी गेल काश जो राजवीर वो उल्टा जाओ उनके घर में तो कितना बढ़िया रहो, पर ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो बेसन भूनने के बाद मैंने इसके अंदर है ना दूध डाल दिया था, पानी नहीं डाला मैं हलवे के अंदर, कई बार पानी भी डाल लिया करूँ लेकिन दूध हो तो दूध डाल लेना जो हो फिर वो जीभ स्लिप होगी भाई, जो दूध डाल के चाहे सूजी को चाहे किसी भी चीज़ का वो बनावा ना भाई घना टेस्टी बना है। तो बेसन के तो मैंने पहली बार ट्राई करा था क्योंकि आज तक गेरा भी नहीं था कदे, तो इतना बढ़िया हलवा बनाया था, कलर तो देखो इतना पीला रहा नहीं था इसका, या क्योंकि ना तो मैंने इस टाइम पर फूड कलर डाला ना कुछ, तो फूड कलर हो तो देखो मतलब कलर पीला भी रह जाएगा कोई दिक्कत ना है, लेकिन भाई घर पर खाना हमने दिखावा थोड़ा करना है, टेस्ट था एक अति एक नंबर का बेस्ट। तो इसको डू फिर डू लकड़ जाए भाई दूध की जगह, दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह फेरा जाओ, पता नहीं क्यों रहा भाई जीभ स्लिप हो जाए, सॉरी उस चीज के लिए। तो इसमें एक बार तो गांठ सी बनेगी, उन अपना सही तरिया भाई मन तो ये चमची भी छोटी ये ले ली थी, सही तरिया फेरा जाइयो बन जाया करा, जो बेसन का हलवा बनाओ उसमें तो हो जाया करा थोड़ी सी, लेकिन वो अपने आप सेट हो जावे हैं इतनी आण ना रन दी, जितना बेसन लिया था लगभग उतनी मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी, ज्यादा नहीं था बेसन भी एक कटोरी से कम ही था, और तो कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। थोड़ा जब ये पकन लग गया ना इसके छींटे बाहर आवे थे, तो वो थोड़ा हा मैंने थोड़ा भाई देखा था भाई मीठा फीका कैसा है, तो थोड़ा कम लग गया था, थोड़ी ही और चीनी गेर दी, क्योंकि हलवा वगैरह तो हम तो चोखा मीठा ही खावे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग होया करा खाने का, तो भाई जिसने जितनी डालनी हो डाल लो, लेकिन इस तरिया बनाकर भाई मावे की तरह बनया बिल्कुल। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, काजू थे बादाम थी और मलखा दाख नहीं होती जो वो थी, मेरे पास नारियल था नहीं, अगर वो होता तो और भी ज़्यादा टेस्ट होता। तो यो डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरह चला लिया था, बिल्कुल मावे का जो टेस्ट हो ना वो था, इतना टेस्टी बनाया था बहुत ही, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये छिट्टे ना जो ये बाहर निकल रहे थे तो इस वजह से हाथ पे लग गए थे, तो थोड़ा हा जलन है का भय हो रहा था, जै तो मखा बड़ी कढ़ाई में, तो फिर मेरा ये नहीं था भाई मैंने घना बनाना थोड़ा ही बनाना था, थोड़ा बना फिर तो वो ही है कढ़ाई अच्छी ही धर ले ना तो ठीक रहो है, छोटे बर्तन में दुखी हो जाऊँ है बस, फिर या मैं थोड़े ही भाई मखा कित बड़ा तारूंगी और बड़ा दसूंगी, तो उस वजह तो थोड़ा हा बस ये दिक्कत आई थी, वो बाहर निकला था नहीं जो टेस्ट था ना वो इतना बढ़िया था कति एक नंबर का गजब का। तो इस तरिया जरूर बना के देखियो कभी बेसन का हलवा, मेरा दूध भी वेस्ट नहीं गया, नहीं तो मैं इसने भी इधर रहा था, नवमी वाले दिन का दूध था ये, रोआ झोली दवा दवा दसी क्या दवा दसी, तभी अगला दिन है त्रयोदशी होली आज, तो
चार दिन पहले का था। दूध में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कोई सोचा खराब हो रहा है ये कोई वो नहीं थी, कति फ्रिज में धरा था बिल्कुल बढ़िया। तो मखाइस दूध ने फिर पीवा तो कौन हो कोई सा भी, तो मखाइस ने यूज में ही ले लूँ, तो फिर मैंने भाई वो यूज में ही ले लिया। हलवा बन गया एक नंबर का, मिठाई टाइप मावे की जो मिठाई हुआ ना उस टाइप का बनाया था बिल्कुल। और कलर देखो इसका पीला रहा नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर डाल लिया दूध, तो उसका फर्क तो कलर में आवेगा। तो इस तरह ट्राई जरूर करके देखियो, वीडियो ने भी पूरी देख लिया करो, लाइक वाला बटन जरूर दबा करो, बनया कया भी दब दिया करो बेबे कह दी बार। और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि मैं और भी नई नई रेसिपी ऐसी लेकर आती रहूँ। भई हम तो सिंपल तरीके तो बनाऊँ, और सिंपले तरीके की चीज़ हमने तो बढ़िया लग है जो अपने घर में चीज़ रखी हूँ उन्हें तो बना ले हैं, और एक नंबर की बढ़िया भी बना है। वीडियो देखण ती बे धन्यवाद, जिसने भी पूरी देखी पूरी देख लिया करो बे, स्किप मत कराया करो, स्किप करके देखो हो। तो इस तरह का हलवा जरूर ट्राई करियो बे, जरूर से भी जरूर।